हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरडी और आप देख रहे हैं आरडी मैथ चार्जर। और आप सभी को आज एक 30 क्वेश्चन रीजनिंग का टेस्ट पेपर मिलने वाला है। और इस टेस्ट पेपर में हम इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये सभी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ऐसे ही टेस्ट पेपर मैं जल्दी आपके लिए 20-30 लाता रहूँगा। कोशिश करूंगा कि आपको रोजाना इस प्रकार के वीडियो मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने एक फ्रेंड को इसे शेयर कर दीजिए। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि चाकू का संबंध काटने से जिस प्रकार है, उसी प्रकार से संबंधित रबर का शब्द आपको ढूंढना था। तो चाकू को काटने से रिलेट कर रखा था, आपको रबर को किस प्रकार से रिलेट करना था कि वही गुण आपको देखना था जो चाकू को काटने से किया जाता है, तो रबर सा क्या किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे सफेद, नरम, मिटाना और लचीला। तो यहां से रबर है वो आपको इरेज करने के काम आता है, मिटाने के काम आता है। तो यहां से आपका ऑप्शन होता सी सही। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल वोकैब पे डिपेंड होते हैं। यदि आपको इन वर्डों के बारे में जानकारी है और उसे आप पहचानते हैं तो आप फटाक से एग्जाम में लगा सकते हैं। यदि आप इन्हें नहीं जानते तो आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए एग्जाम में, जब भी हो तब। अगला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, वो इस प्रकार से है। इसी में भी आपको सह संबंध दिया गया है कि MAZE का जो संबंध है वो SFDS से कॉर्ड किया गया है उसे। तो आपको EYRI का कॉर्ड अरेंज करना था। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपको पहले एक शब्द दिया गया है और इसके अंदर शब्द के अंदर वर्ड हैं वो इस प्रकार से हैं। M दिया गया है, फिर A दिया गया है, फिर Z दिया गया है, फिर आपको ई दिया गया है। इसको आपको कोड करना था और इसका जो कोड उसने बताया आपको वो कोड था SFD और H। अब आपको यहां से करना ये था कि इनका रिलेशन ढूंढना था, किस प्रकार से आप इनको रिलेशन करेंगे। तो यहां से देखिए, एम का जो लेटर का एल्फाबेटिकल क्रमांक होता है सीधा, वो 13 होता है, और उसे कोड किया गया है एस के द्वारा, ये 19 नंबर होता है। यानी कि यहाँ से एम की जो कोड करने की वैल्यू उसने रखी है वो 6+ रखी है। इसी प्रकार से फिर एक नंबर का आपको ए दिया गया है और उसे 6 नंबर से डिनोट किया गया है एफ से। तो यहाँ से जो सेकंड लेटर रहा है वो आपका 5+ रहा है। उसके बाद आपको जेड दिया गया है 26, और दिखाया गया है डी के द्वारा कोड उसे 4। तो यहां से इसमें 4+ रहा है, ये 26 के बाद में वापस से ABCD से आप कोड करते। ई है वो 5 नंबर का लेटर होता है और यहां से उसने 8 नंबर के लेटर के रूप में कोड किया है इसे। तो यहां से ये 3+ था, यानी कि हो ऐसा रहा था कि एम था यानी कि फर्स्ट लेटर है वो 6+ है अपने क्रमांक का, सेकेंड लेटर है वो 5+ है अपने क्रमांक का, थर्ड लेटर है वो अपने क्रमांक का 4+ है, और अंतिम और चौथा जो लेटर है वो अपने क्रमांक का 3+ है। तो इसी प्रकार से आपको दिए गए वर्ड के लिए लगाना था। तो यहां से जो दिया गया वर्ड है आपका वो है ई दिया गया है आपको, उसके बाद वाई दिया गया है आपको, और आर दिया गया है, और आई दिया गया है। इसको आप किस प्रकार से कोड करते, तो सबसे पहले आपको ये देखना था कि पहले लेटर का क्रमांक क्या होता है। तो फर्स्ट लेटर का जो क्रमांक था यहाँ से वो आपको नजर आ रहा था 5, तो ये आपके 6+ होने वाला है। तो यहाँ से 6+ होगा तो 11 नंबर का लेटर आएगा के। स्टार्टिंग कैसे होगा, तो ऑप्शन में कैसे स्टार्ट होने वाली चीज़ें भी आप शुरुआत में देख सकते थे कि सी नहीं आएगा और ए नहीं आएगा। उसके बाद इन बी और डी में से देखते, तो सेकेंड जो नंबर का लेटर है वो वाई है, 25 नंबर। 25 नंबर में आपको 5+ करना था, मतलब 30 क्रमांक का लेटर। एल्फाबेटिकल क्रमांक 26 होते हैं, तो यहाँ से 26 से 4+ था। 4+ का मतलब आपका जो सेकेंड लेटर आता वो आता डी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाता
बी, आगे भी आप इनको जांच करते तो इस प्रकार से ये 18 था, इसमें 4, अब ये 5 प्लस था, 4 प्लस करते इसमें तो ये हो जाता आपका 22, मतलब वी आता। और लास्ट का जो इसमें आई था वो 9 नंबर का था, इसमें 3 होता तो ये 12 नंबर का लेटर एल आता, तो आपका जवाब होता के डी वी एल। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक अंक का को सह संबंध बताया था उसने और उसे आपको लगाना था। निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प में संबंधित सर को चुनना था। यहां से आपको दिया गया था कि सबसे पहले 14 नंबर है वो सोल्व करना था, कि 14 है वो 44 से जिस प्रकार से रिलेट है उससे उसी प्रकार आपको 29 को रिलेट करना था, कि 29 किससे रिलेट है। तो यहां से देखिए, इनमें बहुत ही आसान सी चीज दी गई थी आपको, यहां पे इनका गैप था वो मेंशन कर रखा था, तो 14 और 44 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका है 30 प्लस है ये, तो इसी प्रकार से आपको 29 से 30 प्लस गैप को देखना था, तो 29 प्लस 30 होता 59, तो आपका सही जवाब होता डी ऑप्शन। यहां बहुत सारे आपको मैथमेटिकल डिजिट्स को काउंट करना, इनका मल्टीपल, वर्ग वगैरह, स्क्वायर, किसी भी प्रकार के काम में इनको ब्रेक करके दिया जाता है, इसका भी अपन फुली टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में था कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विषम को चुनना है, मतलब आपको 4 ऑप्शन में 4 अलग-अलग कुछ शब्द दिखाए गए, इन शब्दों को देखना था कि ये चारों किसी ना किसी प्रकार से, तीन तो एक जैसे हैं और एक विषम शब्द को चुनना है। तो यहां से आपको पेपर में दे रखा था कि पहले ऑप्शन में था कि कुर्सी, फिर कह रखा था मेज, फिर कह रखा था दरवाजा और लकड़ी, इनमें से कौन सी चीज भिन्न थी, इनमें से तीन सेम थे और एक चीज भिन्न थी। तो यहां से आप देख पाते कि जो आपके लकड़ी होती है वो इन तीनों को बनाने में आती है, ये तीनों ही फर्नीचर के कैटेगरी हैं, कुर्सी, मेज और दरवाजा, और लकड़ी है वो एक आपके अलग ही किस्म की चीज है इन चारों में से। तो आप यहां से देख पाते कि तीनों में से कुर्सी, मेज और दरवाजा एक कैटेगरी में आते और लकड़ी इनमें से अलग होती, तो अपना जो जवाब होता वो होता डी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको इस प्रकार से दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि निम्नलिखित में से विषम अक्षरों को चुनना था आपको, विषम अक्षर इनमें से कौन से थे, चार चार आपको अक्षर दिए गए थे और कि इनके क्रम के आधार पर ये कौन से अलग थे, अल्फाबेटिकल क्रम इनमें आपको नोट करना था। तो यहां से आप यहां सोल्व करते तो फर्स्ट विकल्प को चेक करते हैं, फर्स्ट में एफ है आपके पास, एफ का क्रमांक होता है 6, फिर उसके बाद के है, के का क्रमांक होता है 11, फिर उसके बाद क्यू है, क्यू का क्रमांक होता है 17, फिर है वी, वी का क्रमांक होता है 22। इस प्रकार से यहां से देखें आप तो पहला जो लेटर रहा और अगला लेटर रहा उसमें 5 प्लस था, फिर अगले वाला लेटर रहा वो 6 प्लस था, उससे जो नेक्स्ट लेटर रहा वो 5 प्लस था। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को जांचते आप, बी ऑप्शन में दिया था बी एफ एल ओ, तो बी होता है 2 नंबर का लेटर, एफ होता है 6 नंबर का लेटर, एल होता है 12 नंबर का लेटर और क्यू होता है 17 नंबर का लेटर। तो यहां भी आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो यहां से डिफरेंस हो रहा था 4, यहां जो डिफरेंस था वो था 6 और यहां से जो डिफरेंस था वो था 5। तो इसी प्रकार से सी ऑप्शन के भी आप क्रम को जांचते कि इसके अंदर कौन सा क्रम था, ये 3 नंबर का लेटर था, उसके बाद एस था 8 नंबर का लेटर था, एन था वो 14 नंबर का लेटर था, एस तो दिया गया है वो 19 नंबर का लेटर था। तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि ये 5 प्लस था, 8 से 14 था वो 6 प्लस था, 14 और 19 5 प्लस था। तो यहां से अभी दिख गया होगा कि बी ऑप्शन के अंदर 4 6 5 प्लस रहा और ए में रहा 5 6 5 और 5 6 5 सी में रहा। तो यहां से भी आप लगा सकते थे कि बी ऑप्शन इनमें से भिन्न होगा। डी ऑप्शन को भी जांचना चाहिए आप जांच सकते हैं
यदि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो इस प्रकार से जब भी क्लियर हो जाए तभी आप पर्सन को लीव कर दें। बी दिया गया था, जी एम आर में भी इसी प्रकार से आपको दे रखे थे। ये भी 2 नंबर था, 7 नंबर था, 13 नंबर था और 18 था, यानी कि 5 प्लस हो रहा था, 6 प्लस हो रहा था और 5 प्लस हो रहा था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अल्फाबेटिकल लेटर्स के क्रमांक आपको याद होने चाहिए और उन क्रमांकों को याद हम एक टॉपिक अलग से लेके आएंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे उसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो भी इसी प्रकार से था कि कुछ संख्याओं का रिलेशन दिया गया था कि इन चार में से किन्हीं तीन में एक सेम रिलेशन लागू है और एक विकल्प में इनसे भिन्न है, तो आपको उस भिन्न विकल्प को छांटना था। तो यहां से देखिए, आपको दी गई थी संख्या सबसे पहले 5 और 20, यानी कि 5 से किसी ना किसी प्रकार से आपको 20 बना रखा था कि 20 किस प्रकार से बनता, और 20 आपको दिया था यहां से कि सबसे पहले 5 था, 5 से बन रहा था 20, यानी कि इसे चौगुणा किया गया था, 20 लिखा हुआ था। सेकेंड विकल्प के अंदर आप देखते 9 था, 9 से फिर आपको 54 था, तो इसका ये 6 गुणा था। थर्ड विकल्प में सी में था 7 और उसका रिलेशन 28 के साथ था, मतलब वो चौगुना था। और लास्ट विकल्प में दिया था 11 और उसका चौगुना 44 दिया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दिल्ली पुलिस अभी जो हाल ही में कुछ पेपर हुए उन्हीं के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको यहां से दिख गया होगा कि भिन्न क्या था इनमें। पहले ऑप्शन के अंदर चौगुना था, दूसरे ऑप्शन के अंदर आपके यहां से 6 गुना था, तीसरे ऑप्शन के अंदर आपका 4 गुना ही था पहले पहले जो संख्या थी उसका, और चौथे ऑप्शन में भी चौगुना था। तो इस प्रकार से आपको यहां से उत्तर लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके यहां से सहसंबंध के चल रहे हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सातवें क्वेश्चन में भी आपको कुछ ये संख्यात्मक रिलेशन दिए गए थे, इनमें से रिलेशन आपको ढूंढना था कि 49 36 को किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, या इनके अंदर गैप, योग, मल्टीपल या डिजिट्स का सम वगैरह जो भी हो, 63 किस प्रकार से 18 को रिलेट कर रहा था। तो यहां से देखते हैं आप कि यहां हो क्या रहा था। सबसे पहले ए ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया था 49 से 36 बनाया गया था, तो 4 मल्टीप्लाई 9 इस प्रकार से उसने 36 बनाया था। फिर आपको 63 था, 63 के अंदर उसने 6 मल्टीप्लाई 3 इससे वो बना रहा था 18 आपके यहां पर बनाया गया। इसी प्रकार से 7 मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए था और ये उसने 26 दे रखा है, होता ही 28 लेकिन उसने दे क्या रखा है, 26 दे रखा है, मतलब वो गलत दे रखा है। और 56 के अंदर 5 मल्टीप्लाई 6 करते तो वो होता 30। तो यहां से आपको बहुत ही आसान था ये, और देख पाते इसमें कि जो सी विकल्प था उसमें डिजिट्स का जो गुणनफल कर रखा है वो उसके सामने नहीं लिख रखा है, तो सभी में ये आसान सी बात थी और इसे देख भी पाते आप। लेकिन इसके लिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। अभी अपन टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, फुल्ली इनका वीडियो मैं तैयार करके आपके लिए लेके आऊंगा। तो यहां से विकल्प आप लगाते सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको दिल्ली पुलिस में दिया गया था और काउंट करवा रहा था कि इस दिए गए फिगर के अंदर कितने ट्रेंगल हैं। तो ट्रेंगल काउंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास कि इसके अंदर कितने ट्रेंगल हैं, 4 6 8 और 10। तो त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए आप यहां से देखते कि यहां एक जो ऊपर ही ऊपर आपको नजर आ रहा है,
ये वाला जो ट्रेंगल है ऊपर वाला, वो आपको इस प्रकार से नजर आ रहा था। इसमें आपको ऊपर एक बड़ा ट्रेंगल है, उसके अंदर एक लाइन खींची, तो वहां से दो ट्रेंगल हो गए। ये लाइन उसने खींची और यहां एक लाइन ऊपर से खींच रखी है। तो यहां पर जो इस एरिया में जो आपके ट्रेंगल हैं, वो आपके ट्रेंगल हैं तीन। एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, और एक ये बड़ा है। इस पूरे में ट्रेंगल हैं तीन। फिर आपको ये जो पूरा वाला ट्रेंगल था ये देखना था, इसमें आपके पास ट्रेंगल एक और है। तो चार ट्रेंगल इसके ऊपर की ओर थे, नीचे की साइड देखते सीधे सीधे आपको नजर आ रहा था। एक तो ये आपके पास बड़ा ट्रेंगल है और एक ये छोटा ट्रेंगल है। तो आपके जो टोटल मिला के यहाँ पे ट्रेंगल बनते, वो पूरे में थे छह ट्रेंगल। तो यहां से आसान था, इनको भी अपन काउंट करना सीखेंगे किस प्रकार से काउंट करते हैं। इसमें वैसे नजर आ रहे थे सारे ही कि इसमें छह ट्रेंगल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो भी एक ट्रेंगल काउंट करने, वो आयत काउंट करने का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो आयत यहां से काउंट करते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें जो ये छोटे वाले आयत दिख रहे हैं उनको आप डिनोट कर लेते हैं कि एक ए वाला खाना, एक बी वाला खाना, एक सी वाला, डी वाला, ई और एफ वाला। आपके पास छह आयत यहां से नजर आ रहे थे। अब आपको करना ये था कि ये सिंगल यूनिट थे, आपको दो दो को मिलाना है। जैसे ए और बी को मिलाएंगे आप वहां से, तो दो दो को मिलाने वाले यहां से देखिए कि दो दो को मिलाने से कौन से बनते। दो दो को मिलाने से यहां बनने वाले जो रेक्टेंगल्स थे वो थे ये। दो को दिख रहा होगा, ए और बी के ऊपर आपको ये चीज दिख रही होगी। एक ट्रेंगल रेक्टेंगल ये है, एक वाला ये है आयत, और एक वाला ये है। दो दो को मिलाने से आपको तीन नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट वाला ये, सेकेंड वाला ये, और थर्ड वाला ये। तो आप जैसे इन दो को मिलाते तो ये वाला बनते, आपके पास तीन और प्राप्त होते। अब अगला यहां से दिख रहा था कि आपको तीन तीन को मिलाना था, तीन तीन को मिलाने से कोई यहां पे बन नहीं रहा है। चार चार को मिलाने से देखते हैं आप, चार चार को मिला के देख रहे होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला आयत हो गया, चार को मिलाकर एक ये हो गया, और बाकी चार को किधर भी नहीं बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो जो चार को मिलाने से आपके जो आयत बने वो आपके बने दो। अब आपको पांच को मिलाना था इनमें, वो नहीं था, और पूरा छह को मिलाना था। तो टोटल जो इसके अंदर आयत होते उनकी संख्या हो गई 12। तो आपका उत्तर होता बी ऑप्शन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में करवाए गए थे, और दोनों ही आसान क्वेश्चन थे, लगा सकते थे। बेसिक चीजें इनकी देखनी थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक आपको खुला पासा दिया गया है और उसको बंद करने से इनमें से कौन सी आकृति बनती, ये आपसे पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं कि इनसे कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता। अभी जल्द ही आपको घन और पासे की वीडियो, पूरी वीडियो मिलेगी टॉपिक की। उसको देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 3 to 5 seconds में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से आपको ये जो पासा दिया गया था उसका एक खुला हुआ रूप दिया गया था। इसमें आपको पहले तो विपरीत को देखना था कि कौन सी सतह के विपरीत आएगी। तो मैं इस चित्र की बात करूं तो इसमें जो एक ही इसे बंद करेंगे तो एक के विपरीत ये जो पूरी डार्क सतह है वो आएगी। यानी कि एक के जो विपरीत आप सतह देखने वाले थे वो सतह आती है आपकी, ये पूरी जो डार्क कर रखी है वो वाली सतह। फिर आपको जो ये डॉट दिख रही है थोड़ी सी ब्लैक डॉट, उसके विपरीत जो सतह होती वो आती, ये जो आपको खानों वाली प्लस वाली सी सतह नजर आ रही है, तो ये जो सतह थी डॉट वाली वो विपरीत में आती, ये जो चार खानों वाली आपको सतह नजर आ रही है उसके। इसी प्रकार से छह सतहों में से एक आपके यहां पर बच गई। तो एक जोड़ा जो बचा वो बचा कि ये जो खाली सतह है इसके विपरीत आपकी सतह आती ये जेड वाली। अब इनमें से कौन सी आकृति, नीचे दी गई जो पासे की आकृतियां हैं वो कौन सी बन सकती हैं, कौन सी नहीं बन सकती, इसे तय करने के लिए उसने प्रश्न में कहा गया है कि
खुले पासे से बनाई जा सकने वाली आकृति आपको देखनी थी कि बनाई कौन सी जा सकती है इन चारों में से, कि बनने वाली आकृति इनमें से कौन सी है, ये आपको देखना था इनमें से। तो इसे देखने के लिए आपको क्या करना था कि विपरीत सतह जिस जिस आकृति पर पड़ोस में नजर आ गई वो नहीं बनाया जा सकता। विपरीत सतह आप जानते हैं कि विपरीत वाली सतह कभी भी नजदीक में नहीं आ सकती। तो यहां से देखते, एक के नजदीक यदि आपके ये फुल फिल वाली जो है वो आ गई, यदि ये डार्क वाली सतह ए के नजदीक आ गई वो नहीं बनेगा। यहां ए के नजदीक ये डार्क वाली सतह आ गई, पहले वाला विकल्प आपका नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। सेकंड वाले में देखिए कि यहां पर क्या हो रहा था, ये जो डॉट है उसके पास ये चार खानों वाली सतह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो यहां देखिए वो दोनों विपरीत सतह पड़ोस में मौजूद है, तो विपरीत सतह पड़ोस में मौजूद होंगी तो वो बिल्कुल नहीं बन सकता। फिर आपसे कहा गया था ये वाली सतह भी जहां पे नजदीक दिख गई वो भी आप नहीं बनाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन में भी ये था कि जेड के पास में ये जो खाली वाली सतह है वो मौजूद थी। तो प्रश्न पूछ रहा था कि बनाया कौन सा जा सकता है, तो आपका जवाब होता डी ऑप्शन, यानी ए के पास में ये पूरी डार्क सतह नहीं थी, डॉट के पास में ये खानों वाली सतह नहीं थी, और ये जो खाली वाली सतह है वहां पर जेड नहीं था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे में आपको करना यह होता है कि आप उसका विपरीत ज्ञात करें, और जैसे ही विपरीत ज्ञात हो जाए तुरंत से फटाक से आप ऑप्शन में देखें कि जो विपरीत वाले सतह थी वो यदि आपके पड़ोस में आ गई तो वो आपका नहीं बनने वाला, और यदि मान लो पड़ोस में कोई नहीं आ रही है तो वो आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक पासे का प्रश्न था जिसमें आपको विपरीत पूछा गया था। विपरीत ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी हम पूरी डिस्कस तो वीडियो एक अलग से घन पासे का वीडियो लाएंगे उसमें करेंगे। यहां क्वेश्चन को देखते हैं कि यहां पर क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था आपको कि तीन आकृति आपको एक घन की या पासे की दिखाई गई है, और उसमें कहा गया है कि पीस युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। पी युक्त फलक के विपरीत आपसे पूछा गया था। तो विपरीत जब बताते हैं तब आपको करना क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जिस भी सतह के विपरीत पूछा गया, पी के विपरीत पूछा गया, तो पी के पड़ोसी आप पहले से ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। पी के पड़ोसियों को ऑप्शन से बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि पड़ोस में आने वाली चीज विपरीत पे आप बता ही नहीं सकते। कुछ भी आपको मेथड लगाने से पहले इस चीज को देखना था, और परीक्षा में यदि इसे देखते, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखते तो आप इसे जल्दी से लगा पाते। तो यहाँ पे पी है, पी का जो पड़ोसी सतह है वो दिख रही है आपको एस, तो एस यहाँ से बिल्कुल नहीं आता। फिर उसके बाद क्यू दिख रही है पी के पास, क्यू भी आ नहीं था। पी के पास में टी और यू दिख रहा है आपको, तो ना टी आता ना उसका यू आता, तो आपका सही जवाब होता आर। तो ऑप्शन के अंदर आपको इस चीज को परीक्षा में ध्यान रखना है कि उसका पड़ोसी जो सतह पर चीज आ रही है वो कभी विपरीत पे नहीं आएंगी। फिर भी मान लो एलिमिनेट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिमिनेट करने से आपके सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिमिनेट आप उसे करेंगे तब वो कुछ ऑप्शन और बचेंगे। तो उनके मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से विपरीत याद करते हैं, वो आगे एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, उसमें आपको ये मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था और वो था एक आकृति बेस क्वेश्चन, और उसमें आपको एक आकृति दिखाई गई थी, और उसमें कह रहा था कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब एक आकृति के चार हिस्से थे, उसमें से तीन हिस्से आपको दिखाए गए हैं और चौथे हिस्से को आपको देखना था कि यहां पर क्या बन सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, यहां से आपको देखना था इन तीन में चल क्या रहा है, जैसा इधर बन रहा है उसी प्रकार का इधर बनने वाला था, दिख रहा होगा आपको अपोजिट जो रिफ्लेक्शन था वो इक्वल नजर आ रहा था। तो यहां से ये खाना बनता, ये जो चौथा खाना आप यहां से बनाते, और वो जो खाना बनता उसमें क्या होता। यहां से देखिए आपको एक बड़ी आकृति दी गई थी, उस बड़ी आकृति के अंदर उसके चार हिस्से किए गए थे, और इस चौथे हिस्से में आपको बताना था यहां से
आपके पास यहां पर ये जो था उसे बताना था, तो यहां से देखते हैं आपकी क्या करना था। ये जो लाइन आ रही है वो आपकी यहां से पूरी जाती, ये वाली लाइन यहां पर पूरी जाती, उसके बाद इनके बीचों बीच, यहां बीचों बीच से आपके पास कुछ लाइनें लेनी थी, तो बीचों बीच से आपकी ये लाइन यहां पर टच होती, बीचों बीच से एक लाइन आपके इधर से टच होती ऐसे, और उसके बाद एक जो लाइन थी बिल्कुल सीध में इसके इस प्रकार से कवर करती। तो यहां पे देख पा रहे हैं जो चौथा ऑप्शन है वो आपको देखने से ही एलिमिनेट हो जाएगा कि उसे आपको दो लाइनें जो हैं वो 37 खिंची हुई हैं, इन बाकी तीन में एक एक है। इसमें भी देख पा रहे होंगे ये थोड़ी नीचे है, ये बीच में खिंची हुई होनी चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, आपका ऑप्शन होता सेकंड वाला। तो ऐसा क्वेश्चन में भी आपको देखिएगा ये केवल देखने से पता चल जाती और इतनी कोई टफ सीक्वेंस नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको आकृति बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको एक आकृति दिखाई गई है और कहा गया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से वह चुनिए जो प्रश्न आकृति को निहित है, प्रश्न आकृति जिसमें निहित है उसको आपको चूज करना था। तो ऐसे वाली चीजें आपको यहाँ नीचे नजर आई थी। यहां देखिए फर्स्ट वाला जो आपके पास है उसमें इस प्रकार से है, फिर ऐसे है, ये वाली चीज है, लेकिन इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा कि ऐसे तो कुछ दे रखा है लेकिन ये वाला पार्ट मिसिंग है, यहां वाला पार्ट मिसिंग है, तो इसमें नहीं है वो फर्स्ट वाली। सेकेंड वाली को देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको इस प्रकार से तो नजर आ रही है आकृति में, आकृति को देख के पता किया जा सकता है ये वाली चीजें, ये वाला पार्ट यहां भी मिसिंग है। ऑप्शन नंबर चार को देखिए, चार को आपको देखने से यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो आपको नजर आने लग गया होगा कि प्रश्न नंबर चार में कहां पे ये आकृति निहित थी। तो प्रश्न नंबर चार के अंदर आपकी ये आकृति निहित थी नजर आ रहा होगा, बहुत ही आसान सी बात थी ये भी। ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करते रहे, हर टेस्ट पेपर में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो मैं शामिल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि उत्तर आकृति में से आपको जो प्रश्न आकृति है उसका दर्पण में रिफ्लेक्शन ढूंढना था, लेकिन दर्पण भी आपके पास किधर लगा हुआ है ये देखना था, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो यहां पर उसने दिया था कि एबी वाली, एबी के ऊपर दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण यदि मान लो नीचे लगा हुआ है तो ऊपर की डायरेक्शन को नीचे शो करता है और नीचे वाली दिशा के हिस्सों को ऊपर शो करता है, बाकी दायां और बायां पार्ट उसमें अनचेंज रहता है। इसी प्रकार से यदि दर्पण के अंदर दर्पण दाएं या बाएं लगा हुआ होता तो वो दाएं बाएं को बदलता और अप एंड डाउन की डायरेक्शन को सेम दिखाता। तो यहां से आपको देखो बदलते इसे, तो यहां नजर आ रहा था आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे थे, उनमें कुछ एक थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक से फिल था और एक थोड़ा सा हिस्सा उसका खाली था। तो ये ब्लैक वाला जो ट्रायंगल था वो आपके पलट के हो जाता उल्टा, इसका मुख ऊपर की ओर था, अब हो जाता चित्र में नीचे की ओर, और ये दूसरा जो था वो हो जाता आपके इस प्रकार से। तो लेकिन ये ब्लैक वाला यहां से, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था वो यहां से भरा हुआ रहता, तो आपको जो ये उल्टा होने के बाद ये दो ब्लैक भरे हुए ऊपर नजर आते ट्रेंगल में और एक उसका शीर्ष नीचे भरा हुआ नजर आता। सबसे पहले इसी बात को देखने से ही आपका उत्तर लग गया था। चार ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं जो केवल आभासित मात्र ही उससे गायब हो जाते हैं, उनको कर सकते हैं आप, देख के भी कोशिश करते तो वहां से नजर आता कि इसमें देखिए यहाँ पे तीसरा था, ये एक ही जगह सारे जो ब्लैक वाले हिस्से हैं वो एक जगह आपको एक ही तरफ हो गए, तो ऐसा कभी दर्पण रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। यहाँ भी देख पा रहे हैं या सामने सामने हो गए हैं, चौथा ऑप्शन भी दिख रहा होगा, दूसरे में भी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर एक उत्तर हो जाता कि इस दिए गई आकृति का जो दर्पण रिफ्लेक्शन होता वो ए होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और उनसे कुछ संख्याएं बना रखी हैं उसमें फिल करके, और संख्याओं का रिलेशन आपको तलाशना था कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां से दिया था उसने 9, 2 और 5 से उसने 47 बना रखा है, तो यहां था 9 को उसने 5 से गुणा किया और बीच वाला उसमें जोड़ा, यानी कि आपको दे रखा था 9 × 5 + 2 = 47, ये बना रखा था।
सेकंड जो लाइन थी उसमें भी आप इसी प्रकार से अप्लाई करते, 6 मल्टीप्लाई 4 करते तो 6 मल्टीप्लाई 4 24 होता, और बीच वाला उसमें जोड़ते 3 तो उसने 27 लिख रखा था। इन दोनों में जो रिलेशन था वही रिलेशन आपको तीसरे कॉलम में करना था। तो तीसरे कॉलम में आप 8 को 7 से गुणा करते, 56 होता, 8 मल्टीप्लाई 7 और उसमें 2 जोड़ते तो 56 और 2 हो जाता आपका ऑप्शन 58। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे उत्तर करना था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, अल्फाबेटिकल एक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करते समय आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पहले से आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो बहुत आसानी से इसे जल्दी देख सकते थे, बाकी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था, वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इससे बनने वाला, यानी जितने भी उसमें आपके लेटर दिए गए हैं वो लेटर नीचे से मैच करते हैं सारे तो वो बनेगा। रिपीटेशन वगैरह इनमें देखा जाता है, इसमें कोई रिपीटेशन का काम नहीं था। यहाँ पे उसने दिया था सीधा सीधा सा जी, तो जी आपको यहाँ से ऊपर से देख पा रहे हैं कि उसमें जी मौजूद है। रजिस्ट्रेशन जो ऊपर एक वर्ड दिया गया उसमें से जी नजर आ रहा था। आई, आई भी आपको नजर आ गया जी के तुरंत बाद में था। एस भी वहां पे था और टी भी था, ये तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा था क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको टिक कर देते ए। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होते हैं परीक्षा में जिनको आपको फास्ट टिक करना होता है, छोटी सी बात होती है, उन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें में था, एक वेन आरेख लगाना था, तार्किक वेन आरेख आपको लगाना था। वह दिया था तोलिया, गुलाबी और नीला, तो यहां से एक कैटेगरी आपको जज करनी थी, ये तोलिए की कैटेगरी होती और तोलिए का आपने लिया कि ये एक तोलिए की कैटेगरी हो गई, और कलर की कैटेगरी दी है कि तोलिए में गुलाबी और लाल। तो यहां से था कि कुछ जो टॉवल होते आपके वो होते इनमें से लाल और कुछ जो टॉवल होते वो इनमें से हो जाते नीला। तो इस प्रकार से आपको ये कैटेगरी वाइज इसको जज करना था, और इसका सही उत्तर आपके होता सेकंड वाला कि तोलिया गुलाबी और नीले का संबंध क्या होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अगला था वो आपको दिया गया था, इसी प्रकार का एक वेन्यू डायग्राम दिया गया था, एक आरेख दिया गया था, उस आरेख को आपको पढ़ना था और उसमें कुछ आंकड़े शो कर रखे हैं। तो देखिए आपके पास क्या आंकड़े शो कर रखे हैं। पहले वाला है वो हार्ड को दर्शा रहा है कि इसके अंदर कुछ नंबर लिख रखे हैं, और दूसरा है वो आयरन लोहे वाले हैं और कुछ पेन हैं। तो प्रश्न ने देखो आपसे पूछा क्या है, प्रश्न आपसे यहां से कह रहा था कितनी कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है। मतलब यहां पर जो आपसे पूछ रहा था वो था कि कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है, मतलब कलम की कैटेगरी में भी आना चाहिए, वो लोहे की कैटेगरी में आना चाहिए, कलम लोहे की होनी चाहिए यानी लोहे और कलम की कैटेगरी में मौजूद होनी चाहिए वो संख्या, परंतु कठोर की कैटेगरी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपको दिख गया होगा कि यहां पर कठोर वाली कैटेगरी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लोहे और कलम में होनी चाहिए। तो इन दोनों का जो इलाका था वो था ये 19, तो यहां वाला आपका जवाब हो जाता 19। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऊपर ध्यान से पढ़िएगा कि वो उसमें ली गई है या शामिल नहीं की गई है। तो यहां क्वेश्चन को पढ़ा तब आपको लगा कि कलम और लोहे की दोनों चीजों को शामिल करना था परंतु कठोर को नहीं करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें आपसे एक रिश्ते संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें दिया गया है कि एक पुरुष ने, एक लड़के ने, पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, तो पुरुष लड़के से किस प्रकार से संबंध था। तो यहां से आप एक पीडी के हिसाब से एक डायग्राम बनाते, बहुत छोटी सी बात थी। उसने ये कहा है कि एक लड़के ने कहा, तो लड़का कह रहा है यहां से, तो एक लड़का है वो कह रहा है कि वह मेरी बहन, लड़के की बहन, तो लड़के की बहन उसी पीडी में हो गई, तो लड़के की बहन हो गई, उससे ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर उसके बहन के दादा यानी बहन के पिता और उसके दादा, ऊपर वाली पीढ़ी में उसके पिता हो गए
और ऊपर हो गया इसका दादा। दादा की एकमात्र संतान है, दादा की एकमात्र संतान का मतलब हो गया उसके पिताजी, एकमात्र संतान हो गई मतलब एक ही पुत्र है, अलग कोई दूसरे पुत्र नहीं थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब उसने कह रहा था कि वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का इसको किस प्रकार से रिश्ता दर्शाएगा, तो जहां से देख रहा था वहां से आप रिश्ता देखते कि लड़का इसको क्या कॉल करेगा, तो लड़के की बहन का पिता है यानी कि लड़के का भी पिता हो गया, तो बहुत आसान था, आप इसमें पिता को मार्क कर देते, ऑप्शन आपका ए सही था। तो ऐसा क्वेश्चंस को भी पीडी वाइज आप लगाते और वहां से ढंग से पढ़ के उसे सोल्व करते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको चार आकृतियां दी गई हैं, उनमें से एक भिन्न आकृति आपको छांटनी है, और बिल्कुल आसान सी बात है ये भी। और यहां से आप नोट करते पहले ऑप्शन को देखते कि इनमें से तीन है वो एक गुण के आधार पर समान है और एक उनमें क्या है भिन्न है, तो यहां से तीन जो देख पाते हैं, यहां से इनमें देखिए आपको ये जो दोनों सामने हैं, एक फिल पार्ट है चौकोर, एक गोला है, वो किस प्रकार से नजर है, आमने सामने लगे हुए हैं, इसमें भी आपको दिख रहे होंगे ये आमने सामने लगे हुए हैं, इसमें डी ऑप्शन यानी चौथे विकल्प में भी ये आमने सामने लगे हुए हैं, तो सी विकल्प था वो इन तीनों में से, यानी तीन नंबर वाली जो आकृति थी इनमें से, इन तीनों में से भिन्न थी। ये भी आप जैसे ही इनको देखेंगे तो ये पता चलने लग जाएंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज आप करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें भी आपको भिन्न छांटना था। पेपर में आपसे दिया गया था कि चार आकृतियों में से तीन एक समान है किसी ना किसी गुण के आधार पर, और एक इनमें से भिन्न है, वो आपको छांटनी थी। पहले ऑप्शन में देखिए एक त्रिभुज दिया गया और उसके अंदर तीन डॉट दी गई, यानी भुजाओं की संख्या, भुजा इसमें और ये बिंदु, भुजा और बिंदुओं का कुछ रिलेशन दे रखा था कि तीन भुजा हो और तीन ही बिंदु हो, दूसरे में था कि पांच आपके पास भुजा हैं लेकिन डॉट जो उसके अंदर हैं वो चार ही हैं, तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया था कि चार भुजा हैं और चार ही डॉट हैं, फिर आपके पास छह भुजाओं वाला हेक्सागन था और फिर उसमें डॉट भी छह ही थी, तो यहां से आप देख पाते तो छठे में भी आपको छह भुजाएं थी और छह ही डॉट थी, पहले में भी तीन भुजाएं थी और तीन ही डॉट थी, सी में भी आपके पास चार भुजा थी और चार ही डॉट थी। यहां से जो भिन्न था आपका वो था बी ऑप्शन, जिसमें पांच भुजाएं थी और पांच चार डॉट थी, तो ये वाला जो आपका विकल्प होता वो आपका सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका दे रखा था उसमें आपको क्या दे रखा था, उसी प्रकार से आपको भिन्न छटवाया गया था इसमें, और भिन्न इसमें देखते तो नजर आता कि ये दोनों इसके सामने दिया गया है, फिर यहां भी इसी के सामने ये फिल था, और चारों चित्रों को देखते तो तीन में आपको ये जो प्लस था और उनके सामने जो ये डॉट दी गई थी फिल वाली और एक वर्ग के से शेप दी गई थी वो आमने सामने लगे हुए थे, बाकी एक जो चित्र था उसमें ये क्रॉस में लगे हुए थे, तो विकल्प आपका सी उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो आपका था वो एक श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना था, तो यहां से आप देखते कि 21 दिया गया था, फिर उसने लिखा है 27, पहले आप इनका गैप नोट करते तो यहां से 6 प्लस, फिर 32 दिया गया था, यहां से हो रहा था 5 प्लस, फिर उसने दिया था 36, यहां से हो रहा था ये 4 प्लस, फिर उसने लिखा था 39, तो ये था 3 प्लस, और अब पूछ रहा था आगे क्या आएगा, तो ये 2 प्लस आपका जवाब होता, तो 39 में 2 प्लस करते तो यहां पे होता 41, तो आपका सही जवाब होता यहां से सी विकल्प। आसान सी सीरीज थी ये तो आपको, कि पहले 6 बढ़ रहा था, फिर 5 बढ़ रहा था, फिर 4 बढ़ रहा था, फिर 3 बढ़ रहा था और 2 बढ़ रहा था, योगात्मक श्रृंखला थी ये। इसी प्रकार से अगला जो आपका क्वेश्चन है वो भी एक श्रृंखला के तौर पे ही दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट रहती है। सीरीज में दिया गया था आपसे कि 9 दिया गया था, 19 दिया गया था, 40, 83, 170, तो यहां से करते आप 9, 9 का दिया गया था डबल किया गया, उससे एक ज्यादा किया गया,
जिससे बना आपका 19। फिर 19 से 40 बनाया गया था, 19 को फिर से डबल करते, 19 दुआ 38 और उसमें दो जोड़कर उसने बनाया 40। इसी प्रकार से तीसरा जो टर्म बनाया वो 40 को डबल किया 80 और उसमें तीन जोड़ा और बना आपके पास 83। अगले वाला जो बनाया गया था वो था कि 83 का आपने फिर से डबल किया और उसमें चार जुड़ेगा अब आपके पास, तो वो हो जाता 83 दुआ 166 और 4 170। और अगला जो टर्म आता वो होता 70 को 2 से गुणा करते और उसमें 5 जोड़ते, तो 70 दुआ होता 17 दुआ 34 340 और 5 उसमें ऐड करते तो आपका उत्तर होता 345। तो बहुत ही आसान था ये और इम्पोर्टेंट श्रृंखला भी है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक आकृति बेस क्वेश्चन था और उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, क्योंकि आकृतियों का एक क्रम दिखाया गया था और आसान था। इसमें 6 भुजाओं वाली आकृति थी आपके पास, ये 5 भुजाओं वाली थी, फिर 4 भुजाओं वाली थी, अब यहाँ पर 3 भुजाओं वाली आकृति आनी चाहिए थी, फिर 2 वाली थी, तो यहां से आपका उत्तर हो जाता ट्रेंगल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उसी प्रकार से एक आकृति बेस श्रृंखला चल रही है और उसमें नोट करना था, इसे भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करते। तो यहां पर जो ये वाली सुई है, एक गोला है उसके अंदर ये मिड से एक सुई ट्रेवल कर रही है और ये घूम रही है, तो यहां से देखिए ये वाली जो डॉट थी यहां पर थी, सबसे पहले इस प्रकार से वो चल रही थी, सबसे पहले यहां पर थी, सेकेंड वाली आकृति पे यहां पर आ गई जो ये थी, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गई 45 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो अब वाली जो आएगी वो आपके इस तरफ आएगी, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ वो नजर आने चाहिए थी, तो आपका सही जवाब हो जाता सी विकल्प। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया था, ये भी एक श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन हालिया एग्जामों में इस प्रकार के आपसे पूछे जाए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया है। यहाँ से इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते तो इसके अंदर जो एक गुणा वाला सिंबल था कोने में, वो आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर स्टेबल था, एक ही जगह चल रहा था, तो यहाँ से आपका गुणा वाला 2 नंबर और 1 नंबर में चल रहा था, मतलब तीसरा और चौथा इस सीरीज का हिस्सा नहीं होता यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा था, सबसे पहले प्लस यहाँ पलटा तिर्यक, बिल्कुल विकर्ण पे पलटे, ये प्लस डॉट की जगह चला गया, डॉट यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से पलटे। अब अगली को देखिए क्या हो रहा था, इससे ये इस प्रकार से पलटे, अब इसमें कैसे पलट रहे हैं, ये प्लस है वो प्रतिशत से बदला इस प्रकार से, तो यहाँ ये प्रतिशत से बदल गया ये आपके पास। फिर अगले में देखना था आपको कि ये कैसे पलटा, फिर से ये ऐसे वापस से विकीर्ण पे बदल रहा है, तो विकीर्ण पे ये बदल के इस प्रकार से हो गया, इसमें फिर से विकीर्ण बदला, अब ये ऊपर वाली चीजें बदलनी है, तो आपका जो ये प्लस है वो तो इधर आ जाएगा और डॉट है वो इधर आएगा, तो प्लस यहाँ पर रहने वाला था और डॉट यहाँ पे आनी थी, तो आपका उत्तर जो होता वो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, वो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन उठाया गया है और कोडिंग डिकोडिंग में आपसे देखिए क्या कह रहा था, आपसे कहा है फोन को SKROH लिखा जाता है, तो यहां से P को कोड किया गया उसने, P यहां से कोड हो रहा है S के द्वारा, P होता है 16 नंबर और यहाँ S का कोड 19 होता है, 3 प्लस करके लिख रखा है। फिर यहां से H का कोड देखते आप, H को K लिखा गया, H होता है आपका 8 नंबर, के होता है आपका 11 नंबर, फिर से आपके पास 3 प्लस था, इसी प्रकार से ओ को देखते ओ होता है, ओ से उसने आर बना रखा था, ओ से आर बनाते तो ओ होता है 15 नंबर का लेटर और आर होता है 18 नंबर का लेटर, फिर से 3 प्लस चल रहा था, यानी सभी लेटर्स को आप देखते तीन तीन प्लस सभी लेटर यहाँ से चल रहे थे, तो इसी प्रकार से कॉल को क्या लिखेंगे, तो सी में आप 3 प्लस करेंगे, सी 3 नंबर होता है, 3 प्लस करेंगे 6 नंबर आएगा, मतलब एफ आएगा आपके पास,
ए में आप 3+ करेंगे तो 4 नंबर आएगा आपके पास, डी आने वाला था। फिर उसके बाद एल था, 12 नंबर का लेटर होता है, इसमें 3+ करेंगे 15 नंबर का लेटर आपके पास ओ आने वाला था। एल के अंदर भी आप 3+ करेंगे 15 नंबर का लेटर डबल ओ आने वाला था। एस में आप 3+ करेंगे तो आपके पास 22 होगा, वी आने वाला था। यानी आपका सही जवाब जो होता FDOOV होता। तो कोडिंग के अंदर भी आपको अल्फाबेट इस प्रकार से याद कुछ हो, नंबर्स के साथ उनके लेटर क्रमांक भी याद करें, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन को देखने में आसानी रहे। 29 नंबर आपको दिया गया था कि FLOKCKING को BPKGGMJK लिखा जाता है, उसी प्रकार से FLATMAT को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहां से उठाते कि जो F था वो 6 नंबर का होता है। सबसे पहले एफ से बी आपका कोड किया गया, 4 नंबर बी कोड किया गया एफ से, यानी कि 2 नंबर कोड किया गया तो 4 माइनस किया गया। फिर आपका जो एल था वो 12 नंबर का लेटर होता है और उसे कोड किया गया पी से, यानी 16 नंबर से। तो फिर आपका जो क्रमांक था वो 4+ हो रहा है। फिर अगले को देखा कि ओ का क्रमांक 15 होता है, ओ को कोड किया जा रहा था के से, तो ये के वाला जो कोड किया जा रहा था तो यहां से 11 नंबर का था, इसमें फिर से आपके 4 माइनस हो रहा है। तो आपको यहां से सीक्वेंस देखनी थी, एक लेटर है वो 4 कम हो रहा है, अगला लेटर 4 बढ़ रहा है, एक लेटर 4 कम होगा फिर 4 बढ़ेगा। तो यहां से भी ऐसे ही देखना था, एफ में 4 कम करना था, मतलब 2 नंबर आता आपके पास भी 4 कम किया था। एल था, फिर एल में आप 4 कम करते, यानी कि 12 में से 4 कम करते, 8 नंबर का लेटर आता आपके, वो 4+ करते इसमें, तो एल का 4+ करते तो आपके पास पी आता। तो आपका यहाँ से विकल्प ए आपको दिख गया था। पहले जब भी आपको ऐसा नजर आ जाए 4 कन्फर्म ऑप्शन हो तो आप वहीं पे क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो था एक विशिष्ट कोड भाषा में TAP को 39 तथा LAP को 31 लिखा जाता है, तो MAT को क्या लिखा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे TAP का जो कोड था वो कर रखा था 39, तो यहाँ पर था T आपके पास 20 नंबर का होता है, ये 1 नंबर का होता है 16, ये जो इनका टोटल था वो 37 होता है, ये टोटल से 2 अधिक दे रखा था आपको, कि 2+ था इनका जो टोटल हो रहा था उसका। इसी प्रकार से एल ए पी था, एल ए पी होता है 12, 1 और 16, तो इन सबको आप टोटल करते तो वो 29 होता, लेकिन उसने इसको 31 दे रखा था, यानी कि ये 2+ दे रखा था। इसी प्रकार से आपको करना था कि एम ए टी क्या होगा, तो एम होता है 13, ए का होता 1 और टी का होता 20। तो आप एम ए टी का कोड बताते तो इन सबको जोड़ते और उसमें 2 अधिक बताते, तो सबका यदि आप योग करते तो 13 और एक 14 और 20 को जोड़ते तो आपके पास 34 होता, और 34 में आप 2 जोड़ते तो आपका उत्तर होता 36। तो यहां से आपका जो उत्तर आता वो आना था 36। तो ये क्वेश्चन थे आपके 30। इसी प्रकार की आपको 30 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं और वो मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना आपको वो प्रोवाइड करवाए जाएं, जिससे कि आपको रीजनिंग का पावर बढ़ सके।